हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ और आपका रैपिडो कैप्टन। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ सेफ्टी के रूल्स और क्या ये सही है या गलत, आप अपना राय दें। तो ये टॉपिक मैं बना रहा हूं खास करके फीमेल एक्सपीरियंस के लिए, यानी जो फीमेल सवारी होती है उसके लिए, कि अगर कोई भी राइडर्स उनके पास जाता है, ठीक है, और बुकिंग पे, और होता है क्या है कि वो बुक करती हैं और पैदल या फिर सपोज़ कोई ऑफिस के अंदर से करती हैं और बाहर आती हैं, तो डिस्टेंस हो जाता है। और जब कैप्टन वहाँ पे अराइव करता है, ठीक है, और अराइव करने के बाद अराइव होता नहीं है, तो वो पेलियंस यानी वो सवारी बोलती है कैप्टन को, राइडर को, कि सर ऐसे ले चलिए, ठीक है, बिना बुकिंग के जो भी हो रहा है वो दे देंगे। तो क्या ये सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। पीछे बहुत सारे रीज़न, वैसे बिना बुकिंग के जाना ही नहीं चाहिए। और अगर आप बुकिंग करते हैं, बुकिंग के बाद आपको सारा क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए सेफ्टी के पर्पज़ से, तो सबसे पहले तो जो भी राइडर्स आपके पास आया है, वो आने के बाद उनका मोबाइल चेक कर लीजिए कि आप ही की बुकिंग है कि नहीं, ठीक है। बुकिंग होने के बाद आप जो गाड़ी नंबर है वो चेक कर लीजिए कि गाड़ी नंबर बिल्कुल सही है कि नहीं। उसके बाद देखिए, किसी बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, मैं रैपिडो के ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ओला उबर्स में भी कभी एक टाइम पे ये था कि ओटीपी नहीं आता था, अब रैपिडो में भी ओटीपी आता है, तो ये अच्छी बात है। तो ओटीपी आप दीजिए, उसके बाद बैठिए, हो सके तो नंबर प्लेट, बाइक का जो नंबर प्लेट है या राइडर्स चला रहा है उसको, उसका डीएल या वोटर आईडी या आधार कार्ड कुछ भी आप देख लो एक बार, यह फोटो खींच लो, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके सेफ्टी के लिए। और दूसरी चीज कि अगर कोई राइडर आपको जो रूट मैप में है उसके अलावा कोई दूसरा रूट लेता है, तो उस पर आप कस्टमर केयर पर तुरंत कॉल करके बताइए कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ और ऐसा कर रहे हैं, या फिर आपको वो रूट पता है तो आप कैप्टन को बोलिए कि ठीक है आप इधर से चलिए, अदरवाइज किसी भी अनजाने रूट पे मत जाओ, क्योंकि आपको पता है करंट टाइम में कैसा सिचुएशन है। और अगर आपने बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं देखा और उस कंडीशन में आप बिना मैप के रूट के जा रहे हो और कोई इंसिडेंट होता है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप बिना बुकिंग के कभी जाओ मत, क्योंकि इसमें आप ही को प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इसमें और भी कुछ बातें आ जाती है कि अगर आप बिना बुकिंग के जाते हैं तो आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बुक करती हैं राइड तो रैपिडो में है कि आपको 50,000 का इंश्योरेंस होता है ऑन द स्पॉट, और कैप्टन के लिए 5,00,000 का है। सो ये इंश्योरेंस अवेल नहीं कर सकते अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है। तो ये वीडियो बनाने का कारण यही है, क्योंकि जब मैं भी कभी पहुंचता हूँ अराइव लोकेशन पे और वहाँ पे यानी फीमेल सवारी होती है वो नहीं होती है, और बाय चांस थोड़ा बहुत अप डाउन या आगे पीछे बुलाती है, जिसके वजह से वो अराइव नहीं होती है और ये दिक्कत आ जाती है। बट दे असिस्ट अस कि यार सर प्लीज़ ड्रॉप अस द डेस्टिनेशन, वी विल पे यू सम मोर मनी, सो हम लोग छोड़ देते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सेफ्टी के वजह से ही ये आप ही के भलाई के लिए बोल रहा हूँ, और ये वीडियो बनाने का मेरा यही रीज़न है। समझ के होंगे मैं किस चीज़ को, किस बात को लेकर बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया या नहीं बता पाया, तो होप आप लोग समझ गए होंगे। और आने वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे संग मतलब ऐसा कई बार हुआ है, सो मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ और शायद किसी को हेल्प हो जाए। तो 2-3 टॉपिक्स इसमें आप लोग समझ गए होंगे, खास करके जो फीमेल्स एक्सपीरियंस होती है उनके लिए मैं वीडियो था। तो मैं अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही अपडेट डालता रहता हूँ, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब के लिए, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हो खुद ब खुद सब्सक्राइब कर ही लेते हो, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब ऐसे कोई डिस्कस करना हो कुछ भी और डीपली, तो मेरा नंबर है, बिल्कुल फील फ्री टू कॉल मी, बट पहले वीडियो को देखने के बाद। चलो ख़त्म करते हैं वीडियो, एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई